friends, welcome to Gyan Shree Education Tutorial. Myself is Diksha. Today I will teach you the CTET Paper-2 6 to 8 science topic, that is matter and its states. Regarding matter and states, first of all let's discuss what is the matter. So is matter kya hai? Matter is something which has mass and occupies space. कोई भी चीज जिसके अंदर क्या हो मास हो और वो कोई ना कोई स्पेस मतलब कुछ पर्टिकुलर वॉल्यूम यू कैन से ऑक्यूपाई करता हो लाइक ये मार्कर मार्कर है इसका कुछ ना कुछ मास भी होगा कुछ ना कुछ स्पेस भी होगा तो ये अगेन मैटर है मैं हूँ आप हूँ एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज कॉल्ड मैटर क्योंकि उनके अंदर मास भी होगा और वो कुछ ना कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगा नाउ रिगार्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो मैटर जो है किस चीज से मिलकर बना होता है पार्टिकल से छोटे छोटे कणों से वो पार्टिकल्स क्या करते रहते हैं मूव करते रहते हैं मतलब उनकी जो यू कैन से कंडीशन होती है वो क्या होती है मूव करने की होती है अब बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर की जो मैटर है वो कौन कौन सी स्टेट में नेचर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं तो अर्लियर देयर वर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर यू आर फेमिलियर सॉलिड लिक्विड एंड गैस बट नाउ दीज टू एक्स्ट्रा मतलब प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट दीज टू स्टेट्स आर रिसेंटली डिस्कवर्ड नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल सॉलिड सो ओवरऑल वी विल डिस्कस फाइव स्टेट्स ऑफ मैटर नेमली फर्स्ट इज सॉलिड लिक्विड गैस प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट और यू कैन से बीईसी नाउ फर्स्ट इज सॉलिड रिगार्डिंग सॉलिड सॉलिड क्या होता है स्टूडेंट्स कि सॉलिड के अंदर अगर मैं शेप की और वॉल्यूम की बात करूं तो इसकी डेफिनेट शेप होती है और इसका जो वॉल्यूम है वो कैसा होता है फिक्स शेप भी फिक्स रहेगी मतलब शेप भी डेफिनेट रहेगी और वॉल्यूम भी इसके अंदर फिक्स रहेगा और जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में जो मतलब पार्टिकल्स हैं उनके बीच का जो स्पेस है वो बहुत ही कम रहता है लाइक मैं आपको डायग्रामेटिकली डिफ्रेंशिएट करूं तीनों को ये आपकी सॉलिड है तो सॉलिड के अंदर जो स्पेस रहेगा पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही कम रहेगा उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है इस केस में सॉलिड के केस में और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं कि इनके केस में क्या होता है डेफिनेट शेप और फिक्स वॉल्यूम का मतलब जो कंप्रेसिबिलिटी है वो होती है नेग्लिजिबल राइट नेक्स्ट प्रॉपर्टी बात करते हैं सॉलिड की इस केस में जो इलास्टिसिटी होती है सॉलिड की वो हाईएस्ट होती है मतलब इलास्टिसिटी का मतलब होता है अगर हम इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इसकी कुछ पोजीशन चेंज हुई फिर वापस उसमें वही पोजीशन रीगेन कर रही दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी तो सॉलिड के अंदर इलास्टिसिटी बहुत ही ज्यादा होती है नेक्स्ट बात करते हैं इसके मैंने आपको जो बताया गया इंटर एटोमिक डिस्टेंस या फिर सेपरेशन की वो इसके अंदर बहुत ही कम होता है कहने का मतलब इनकी जो ओवरऑल वॉल्यूम है वो आपको अगर सीधी सी बात है अगर स्पेस कम है तो आपको वॉल्यूम भी क्या हो गया कम हो गया मतलब फिक्स रहेगा राइट नेक्स्ट बात करते हैं जो आपकी सेकंड स्टेट है मैटर की लिक्विड लिक्विड क्या होगा इसके अंदर कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होगी ओनली डेफिनेट वॉल्यूम होगा डेफिनेट वॉल्यूम एंड नॉन डेफिनेट शेप जो लिक्विड है उसके अंदर वॉल्यूम डेफिनेट रहेगा कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होगी जैसे मैं बात करूं पानी है पानी अगेन एक लिक्विड है तो लिक्विड की कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है आप उसको जिस भी वेसल के अंदर जिस भी कंटेनर के अंदर आप उसे डाल रहे हो वो उसकी वही शेप ले लेगा लाइक आपने ग्लास में डाला तो ग्लास की शेप ले लेगा बोतल में डाला बोतल की मतलब जो पर्टिकुलर कंटेनर में फिलअप कर रहे हो लिक्विड वो उसी की ही शेप ले लेता है तो इट हैज नॉन डेफिनेट शेप बट वॉल्यूम की बात करें तो लिक्विड है जैसे उसका तो हम जैसे बात करते हैं इतने ml लाइक 5 ml लिक्विड है तो उसका वॉल्यूम डेफिनेट रहेगा अब जो लिक्विड है उसके अंदर जो जैसे मैं आपको स्पेस बता रही थी इंटर एटोमिक स्पेस वो सॉलिड के कंपैरेटिवली ज्यादा होता है इट मींस इसका जो स्पेस है वो इंटर एटोमिक डिस्टेंस और यू कैन से सेपरेशन है वो ज्यादा है तो इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है फ्लो करने की दैट इज व्हाई लिक्विड इज कंसिडर्ड एज फ्लूइड राइट नेक्स्ट बात करते हैं गैस की तो गैस के अंदर रिगार्डिंग इट्स शेप एंड वॉल्यूम ना ही तो शेप फिक्स होती है और ना ही वॉल्यूम गैस हैज नॉन डेफिनेट शेप एंड नॉन डेफिनेट वॉल्यूम ना ही शेप डेफिनेट है ना ही वॉल्यूम डेफिनेट है रिगार्डिंग इंटर एटोमिक डिस्टेंस और इवन से सेपरेशन तो इनके बीच में जो सेपरेशन है मॉलिक्यूल्स का वो बहुत ही ज्यादा होता है
और एक और चीज होती है गैस के अंदर ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे मूव करते रहते हैं रेंडमली, मतलब ये वाला जो पार्टिकल है इधर मूव कर रहा है कभी इधर मूव कर रहा है कभी इधर मूव कर रहा है, तो कहने का मतलब ये जिगजैग मोशन होता है, रेंडम मोशन होता है, हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते कि ये वाला पर्टिकुलर मॉलिक्यूल किस डायरेक्शन में मूव करेगा। प्लस इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते रहते हैं प्रेशर एग्जर्ट करते रहते हैं, कि कहने का मतलब हमने जिस कंटेनर के अंदर गैस को फिलअप किया हुआ है वो पार्टिकल क्या करते हैं इस कंटेनर की वॉल के ऊपर फोर्स एग्जर्ट करते हैं, दैट फोर्स एग्जर्टेड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो जो गैस है उसके अंदर क्या कैपेबिलिटी होती है प्रेशर एग्जर्ट करने की अगेंस्ट द वॉल ऑफ दिस कंटेनर, जो गैस है उसके अंदर डिफ्यूजन रेट, डिफ्यूजन मतलब जो फैलना है वो सबसे ज्यादा होता है इन कंपैरिजन विद सॉलिड एंड लिक्विड, मतलब सबसे ज्यादा डिफ्यूजन रेट आप चेक करोगे तो गैस की मिलेगी, देन लिक्विड की, देन सॉलिड की। दीज आर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर विद विच यू ऑल आर फेमिलियर, राइट। दीज टू आर द न्यू स्टेट्स विच वी हैव डिस्कस। फर्स्ट इज यू कैन से अदर न्यू स्टेट इज प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है बेसिकली क्या है, इसके अंदर जो पार्टिकल्स रहते हैं वो सुपर एक्साइटेड फॉर्म में रहते हैं। यू कैन से जो स्टेट है पार्टिकल्स की वो कैसी रहती है, सुपर एक्साइटेड। इट मीन्स जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही रैंडमली भी मूव करते हैं और बहुत ही यू कैन से वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं। तो जो स्टेट की बात करी मैंने वो सुपर एक्साइटेड होते हैं और सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं इसके अंदर। प्लस और अगर प्लाज्मा स्टेट की बात की जाए इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बेसिकली किस फॉर्म में मिलते हैं, आयनाइज्ड फॉर्म में, और ज्यादातर हमें गैसेस ही मिलती हैं। तो जहां पे गैसें मिले किस फॉर्म में, आयनाइज्ड फॉर्म में, तो उसको बोला जाता है मैटर की कौन सी स्टेट, प्लाज्मा स्टेट। तो जो आयनाइज्ड गैस पार्टिकल है, जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जो ये फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है और आपका जो ये नियोन साइन बल्ब होता है, इसके अंदर जैसे ये जो ट्यूबलाइट वगैरह है, बल्ब वगैरह है, इनके अंदर जो गैस फिलअप की जाती है वो किस फॉर्म में रहती है, आयनाइज्ड फॉर्म में। कहने का मतलब वो मैटर की कौन सी स्टेट में आ जाता है, प्लाज्मा के अंदर। प्लस जितने भी ये यूनिवर्स के अंदर चीजें हैं, लाइक मैं बात करूं सन है, राइट, स्टार्स है, उनके अंदर भी जो ग्लो करते हैं वो किस बेस पे करते हैं, मतलब उसकी जो स्टेट कहलाती है मैटर की वो होती है प्लाज्मा। अब ये जो कलर है आपने देखे होंगे, जो बल्ब है, ट्यूबलाइट है, इनका अलग अलग कलर अवेलेबल हो सकते हैं, जैसे रेड है, कोई ग्रीन है, तो वो आपका किसके ऊपर डिपेंड है, जिस टाइप की आपने गैस यूज करी है उसका जो नेचर है उसके अकॉर्डिंगली आपका जो कलर है बल्ब का, ट्यूबलाइट का, वो चेंज होता रहता है। फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर फिलअप की जाती है कौन सी गैस, हीलियम गैस, और ये जो आपका नियोन साइन बल्ब है इसके अंदर फिलअप की जाती है नियोन। So these are the example of plasma state. Now next, Bose-Einstein condensate. So this is again the fifth state of matter in which the particles किस form में रहेंगे particles? देखो Bose-Einstein condensate की अगर बात करूं मैं तो basically Bose-Einstein क्या है, scientist का जो नाम है, मतलब जिन्होंने इसकी discovery करी उन्हीं के ही नाम के ऊपर इसको नाम दे दिया गया। जैसे Bose है तो जो SN Bose था, स्तेंद्र नाथ बोस, और जो आइंस्टीन है आप सब लोग फैमिलियर ही हो इससे, तो अल्बर्ट आइंस्टीन, तो इन दोनों का कोऑपरेशन था मैटर की फिफ्थ स्टेट को यू कैन से सर्च करने में, डिस्कवर करने में, राइट। तो एसएन बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन ने मिलकर इस फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर को प्रिडिक्ट किया और इसी के ही बेस पे मैटर की फिफ्थ स्टेट तब हमें पता चली कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, राइट। तो एसएन बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या बताया कि जो इसके अंदर हम किस, जैसे हमने अभी आपको, मैंने अभी आपको बताया था इसके अंदर जो है प्लाज्मा के अंदर हमें किस टाइप के पार्टिकल मिलते हैं, गैसियस टाइप के, और वो भी आयनाइज्ड। जो BEC है मतलब बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो स्टेट है इसमें हमें क्या मिलता है, जो पार्टिकल्स हैं आपके वो आपके रहेंगे गैसियस स्टेट में, लेकिन जो हम यहाँ पे गैस यूज कर रहे हैं स्टूडेंट्स इसकी जो डेंसिटी है वो बहुत ही ज्यादा लो रहेगी और इसकी हम सुपर कूलिंग करते हैं, मतलब इसको एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जो कि आपका होता है -273.16 केल्विन, मतलब इतने टेम्परेचर, इतने कम टेम्परेचर के ऊपर एक बहुत ही लो डेंसिटी गैस को जब कूल किया जाता है तो हमें कौन सी स्टेट मिलती है, BEC स्टेट। दीज ऑल आर दी फाइव स्टेट्स ऑफ मैटर।
Now let's talk with interconversion of states of matter. अभी हमने discuss किया जैसे states of matter, हमने 5 states of matter discuss करी, तो उसमें ऐसा नहीं है कि हमें अगर एक time पे solid मिली हुई है तो वो solid ही रहेगी. हम उन states को क्या कर सकते हैं, convert भी कर सकते हैं. मतलब यही interconversion की एक state से दूसरे state में जो conversion कहलाता है वो क्या होता है, interconversion. तो ये जो चीज है ये कैसे की जाती है कि पर्टिकुलर एक आप जैसे कंडीशन पे हो, अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन को वेरीफाई करते हो, मतलब उनको चेंज करते हो, वहां पे हम क्या कर सकते हैं, इन स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं. राइट, सपोज वी हैव सॉलिड एंड वी वांट लिक्विड और गैस. तो इसके लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, की जो सॉलिड है, सीधी सी बात है, मैं बात करती हूँ आइस की, बर्फ की. अब आइस जो है वो किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है. मुझे जब मैं इसको अगर इसके अंदर टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन अगर मैं चेंज कर देती हूँ तो क्या होगा कि आइस जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में. कहने का मतलब जो सॉलिड से लिक्विड की कन्वर्जन की जाती है वो कैसे की जाती है, टेम्परेचर को राइज करके, टेम्परेचर को इंक्रीज करके. कि अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती हूँ तो उस केस में क्या होगा कि जो पार्टिकल्स के बीच में, लाइक मेरे पास आइस है ये, राइट. अब ये जो पार्टिकल्स हैं काफी पास पास थे कब, जब ये सॉलिड स्टेट में थी. जैसे ही मैंने यहाँ पे टेम्परेचर को बढ़ाया, ये जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, इनके बीच में काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है. जैसे ही मैंने टेम्परेचर को राइज किया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, रेंडमली मूव करने लग जाते हैं और अपनी जो फिक्स पोजिशन थी उसको छोड़ के रेंडम फैशन में मूव करते हैं. तो कहने का मतलब जो सॉलिड है वो धीरे धीरे, जो आइस है आपकी वो धीरे धीरे किस में चेंज हो जाती है, वॉटर के अंदर, पानी के अंदर. तो आइस टू वॉटर, और स्टेट वाइज हम बात करें कि सॉलिड से लिक्विड जो फॉर्म है, जो हमने स्टेट चेंज करी, इसको प्रोसेस को क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स, फ्यूजन. राइट, सॉलिड से लिक्विड जो स्टेट हमने चेंज करी, इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, फ्यूजन. और वो टेम्परेचर जिसके ऊपर सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है उसे क्या बोला जाता है, मेल्टिंग पॉइंट. कि मेल्टिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर एट विच सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड. फॉर एग्जांपल, मेल्टिंग पॉइंट जो आइस का होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस. कि 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस सॉलिड फॉर्म में थी, जैसे ही आप टेम्परेचर राइज करोगे तो इसका बन जाएगा वॉटर. कहने का मतलब जो मेल्टिंग पॉइंट है आइस का वो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस. और हम बात करें अगर इसकी, देखो सेल्सियस क्या है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस क्या है, ये सेल्सियस स्केल के ऊपर मेजरमेंट है. अगर मुझे केल्विन पे बात करनी है तो केल्विन पे यही कितना हो जाएगा, 273.15 केल्विन, और सिंपली आप कहो 273 केल्विन. तो ये हो गया मेल्टिंग पॉइंट, कि जिसके ऊपर आप कुछ भी पूछा जा सकता है आपको, ऑप्शन में या तो सेल्सियस स्केल में दिया होगा या फिर आपको केल्विन में दिया होगा. केल्विन में याद रखना 273.15 केल्विन, और सेल्सियस स्केल के ऊपर वैल्यू होती है 0 डिग्री सेल्सियस. तो ये, और ये जो प्रोसेस होती है ये क्या कहलाती है, सॉलिड से लिक्विड की फ्यूजन. अगर मेरे पास क्या है, 1 किलोग्राम सॉलिड है, राइट. 1 किलोग्राम सॉलिड को अगर मुझे लिक्विड में चेंज करना है तो इस केस में मुझे जितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है उसे बोला जाता है लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, और यू कैन से लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्यूजन. राइट, नेक्स्ट बात करते हैं लिक्विड से. सपोज ये तो मैंने किया सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जाने के लिए. अब मेरे पास है पानी है, मेरे पास वाटर है, मुझे इसकी गैसियस स्टेट करनी है. मतलब आपने जैसे देखा होगा जो वेपर्स वगैरह बनते हैं, जो स्टीम बनती है वो कैसी होती है, गैसियस स्टेट. तो जब लिक्विड से मैं अगेन गैसियस स्टेट में जाऊंगी तो यहाँ पे भी मुझे टेम्परेचर को क्या करना पड़ता है, राइज करना पड़ता है. तो द प्रोसेस बाय विच लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैस इज कॉल्ड वेपोराइजेशन. वेपोराइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैस. राइट, और जिस टेम्परेचर के ऊपर ये प्रोसेस होती है उसे क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स, बॉइलिंग पॉइंट. फॉर एग्जाम्पल, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वॉटर इज कॉल्ड 100 डिग्री सेल्सियस. कि अगर पानी है मेरे पास,
अगर मैं उसको 100 डिग्री सेल्सियस पे मतलब उसका टेम्परेचर अगर इतना कर दूंगी तो पानी बॉयल होना शुरू हो जाएगा, मतलब वो किस फॉर्म में पहुंच जाएगा, गैसियस फॉर्म में। तो इसको क्या बोला जाता है, वेपोराइजेशन। और ये किस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है, 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। वही बात करते हैं, अगर देखो जैसे मैंने आपको बताया था 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस को अगर मैं केल्विन में देखना चाह रही हूँ तो ये वैल्यू होती है आपकी किसके इक्विवेलेंट, 273.15 केल्विन के इक्विवेलेंट। ऐसे ही अगर 100 डिग्री सेल्सियस को आप केल्विन स्केल पे मेजर करना चाहते हो तो ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 373.15 केल्विन। इसके लिए एक रिलेशन होता है कि अगर आपको सेल्सियस और केल्विन में रिलेशन देखना है तो वो कैसे किया जाता है, टी के इज इक्वल टू टी सी प्लस 273.15। इस टी का मतलब है आपको कोई भी वैल्यू अगर केल्विन स्केल में चाहिए हो, टीसी का मतलब है कोई भी वैल्यू आपको सेल्सियस स्केल में गिवन हो। मेरे पास सेल्सियस स्केल पे कितना था, 100 डिग्री सेल्सियस, मैंने उसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करा, उसके अंदर 273.15 ऐड किया तो आई विल गेट 373.15 केल्विन, विच इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वॉटर एट इन टर्म्स ऑफ केल्विन। और अगर आप 100 डिग्री की बात करते हो तो वो किस टर्म्स में है, सेल्सियस। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आपको सॉलिड से गैसियस फॉर्म में जाना है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था इंटर कन्वर्जन कि हमने सॉलिड से लिक्विड देख लिया, लिक्विड से गैस देख लिया, अगर मैं बात कर लू गैस टू सॉलिड और सॉलिड टू गैस, तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स, सब्लिमेशन। आप किसी भी डायरेक्शन में जाओ, सॉलिड टू गैस और गैस टू सॉलिड, द प्रोसेस विल रिमेन सेम, दैट इज सब्लिमेशन। और जो पार्टिकल सॉलिड से गैस में चेंज हो रहा है उसको क्या बोला जाएगा, सब्लिमेट। सब्लिमेट पार्टिकल कौन होगा जो अपनी सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली किसमें चेंज हो जाएगा, गैशियस फॉर्म में, और अपने गैशियस फॉर्म से किसमें चेंज हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म में। बात करूं सब्लिमेट के एग्जाम्पल की, सब्लिमेट कौन कौन से आपके उदाहरण हो सकते हैं, तो नेप्थिलीन, आयोडीन, ये सब ऐसे पार्टिकल हैं जो विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट डायरेक्टली कन्वर्ट फ्रॉम सॉलिड टू गैसेस। लाइक नेप्थिलीन, नेप्थिलीन जो कपूर की गोलियां होती है आपने देखा ही होगा, विंटर में हम क्या करते हैं, जैसे कपड़ों के साथ में, मतलब कपड़ों के साथ लगाते हैं नेप्थिलीन की गोलियां, जो कपूर की गोलियां डाली जाती है वो डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाती है, सॉलिड से गैसियस फॉर्म में। ऐसे ही आयोडीन है, और अगर बात करूं बेंजोइक एसिड है, तो ये सभी किसकी कैटेगरी है, सब्लिमेट की। तो दिस इज ऑल अबाउट इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स। अगर ये तो हमने बात करी लिक्विड से गैस, राइट, जो कि है वेपोराइजेशन। अगर मुझे इसका रिवर्स केस करना है, मुझे करना है गैस से लिक्विड, तो ये प्रोसेस कौन सी कहलाएगी आपकी, कंडेंसेशन। अगर आपको देखो लिक्विड से गैस जाना था तब तो ये जो एरो है आपका, ये क्या शो करता है कि लिक्विड से हम गैसियस फॉर्म में गए, प्रोसेस इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। अगर मुझे इसका रिवर्स केस करना है, गैस से लिक्विड जाना है, तो क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन। ऐसे ही सॉलिड से लिक्विड होती है फ्यूजन, बट आपको अगर जाना है लिक्विड से सॉलिड, कहने का मतलब पानी से अगेन बर्फ बनानी है, तो उसको आप क्या बोलोगे, सोलिडिफिकेशन। सॉलिड टू लिक्विड इज फ्यूजन, लिक्विड टू गैस इज वेपोराइजेशन, एंड सॉलिड टू गैस और गैस टू सॉलिड इज सब्लिमेशन। लिक्विड टू सॉलिड इज सोलिडिफिकेशन, एंड लिक्विड गैस टू लिक्विड इज कंडेंसेशन। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो ये तो हमने बात करी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर राइज कर रहे हैं तो डायरेक्टली क्या होगा, सॉलिड से वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हो तो वो गैसियस फॉर्म में चला जाएगा। अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर की। तो जो इफेक्ट ऑफ प्रेशर है कि अगर प्रेशर को अगर मैं क्या कर रही हूँ, कम कर रही हूँ, या प्रेशर को अगर मैं ज्यादा कर रही हूँ, तो उस केस में लिक्विड की स्टेट के ऊपर या फिर पर्टिकुलर जो पार्टिकल की स्टेट है, मैटर की जो स्टेट है, उसके ऊपर क्या फर्क पड़ता है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हम प्रेशर को इंक्रीज कर दें तो बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो याद रखिए, विद इंक्रीज इन प्रेशर, अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करते हो तो बॉइलिंग पॉइंट जो है लिक्विड का डायरेक्टली इंक्रीज हो जाएगा। कहने का मतलब आपको, लाइक एग्जाम्पल की मैं बात करूं, आपके पास क्या है, कोई पानी है, राइट, आपने स्टोव पे रखा हुआ है इसको,
ये आपके पास एक कंटेनर है जिसमें लिक्विड, जिसमें पानी फिलअप है, नीचे आपने स्टोव ऑन कर रखी है, यहाँ से ठीक है टेम्परेचर चल रहा है। आपने क्या किया, विद इसका जो प्रेशर है वो इंक्रीज कर दिया। प्रेशर इंक्रीज करने का मतलब इसको एक लिड से, इसको एक ढक्कन से कवर कर दिया, राइट। अब प्रेशर आपने इंक्रीज कर दिया तो इससे क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पहले दूर दूर जा रहे थे, अब ये ढक्कन जैसे ही कवर हो गया, ढक गया वहां पे, तो पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो ऑटोमेटिकली कम हो गई। कहने का मतलब आपको नीचे जो टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा इस पर्टिकुलर कंटेनर को, लिक्विड को, ताकि इसका जो वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर हो जाए, इस बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, बॉइलिंग पॉइंट के बराबर। कहने का मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट है लिक्विड का ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा विद इंक्रीजिंग प्रेशर। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर प्रेशर इंक्रीज कर दिया जाए तो लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, तो याद रखिए डायरेक्ट रिलेशन है, विद इंक्रीजिंग प्रेशर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड विल ऑल्सो इंक्रीज। नाउ कम टू क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, कि हमने जो है मैटर को क्लासिफाई करना है। तो जो मैटर है वो आपकी क्लासिफाई हो सकती है प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के बेस पे। जो प्योर सब्सटेंस है या फिर मिक्सचर है, इनके अंदर आप डिफरेंशिएट करो तो क्या है कि इसमें सिर्फ आपको एक ही टाइप के कंपोनेंट मिलते हैं, या फिर यू कैन से एक ही टाइप का सब्सटेंस मिलता है। प्योर सब्सटेंस का मतलब वही कि सिंगल सब्सटेंस हो, अगर आपको उसके अंदर मोर देन वन सब्सटेंस मिलता है तो वो किसकी कैटेगरी हो जाएगी, मिक्सचर की। अब प्योर सब्सटेंस जो है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया सिर्फ आपको ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस मिलता है प्योर सब्सटेंस के अंदर। प्योर सब्सटेंस को भी अगेन अगर हम क्लासिफाई करें तो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। जो एलिमेंट्स है वो क्या होगा कि जिसके अंदर, जैसे अब ये है प्योर सब्सटेंस है, इसको ही आपने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। तो अगर हम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बीच में डिफरेंस देखें तो एलिमेंट्स क्या होगा, जो इसके अंदर एटम्स होंगे वो अगेन क्या होंगे, सिर्फ एक ही टाइप के, मतलब ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। कंपाउंड्स जो होगा इसके अंदर आपको मोर देन वन एटम भी मिल सकते हैं, इट विल कॉम्प्राइज मोर देन वन एटम्स, देन इट इज कॉल्ड कंपाउंड। अगर सिर्फ हमें एक ही टाइप के या एक ही काइंड के एटम्स मिलते हैं तो हम उसको बोलेंगे एलिमेंट्स। अगेन एलिमेंट्स का भी फर्दर तीन वे में क्लासिफिकेशन है कि जो वो एक ही टाइप के एटम है वो आपके मेटल हो सकते हैं, राइट, नॉन मेटल हो सकते हैं या फिर मेटलॉइड्स हो सकते हैं। मेटल्स की अगर मैं बात करूं तो जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम, टिन, सोडियम, पोटेशियम, ये सब किसकी कैटेगरी है, आपकी मेटल्स की, धातुओं की। फिर है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स की अगर बात की जाए तो जो ऑक्सीजन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, ये सब किसके अंदर आ जाएंगे, नॉन मेटल्स के अंदर। जो मेटलॉइड्स हैं वो आपके किसके, अगर मेटलॉइड्स के अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो जैसे सिलिकॉन हुआ, जर्मेनियम हुआ, एंटीमनी हुआ, ये सब किसकी कैटेगरी है, मेटलॉइड्स के अंदर, ठीक है। मेटलॉइड्स में सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी। फिर है मिक्सचर की, जैसे हमने बात करी थी प्योर सब्सटेंस, इसके अंदर सिर्फ आपको एक ही टाइप का कंपोनेंट मिलेगा या फिर एक ही टाइप का सब्सटेंस मिलेगा, इसमें कंपोनेंट आपके मोर देन वन होंगे, दैट इज मोर देन वन सब्सटेंस और वन मोर देन वन कंपोनेंट इज देयर, देन इट इज कॉल्ड मिक्सचर। मिक्सचर के भी अगेन दो पार्ट्स हैं, होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो जो होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस के अगर डिफरेंस की बात की जाए तो इनके बीच में जो डिफरेंशिएशन का पॉइंट है वो क्या रहता है, कंपोजिशन का, कि अगर कंपोजिशन आपको यूनिफॉर्म मिलती है थ्रू आउट द मिक्सचर देन इट इज कॉल्ड होमोजेनियस। अगर आपको कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं मिलती, दैट इज द कंपोजिशन इज नॉन यूनिफॉर्म, देन इट इज कॉल्ड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। That is, जो होमोजीनियस मिक्सचर है उसमें रहेगी कंपोजिशन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर, और इसमें कंपोजिशन रहेगी आपकी नॉन यूनिफॉर्म। नाउ वन बाय वन वी विल डिस्कस इन दिस। फर्स्ट इज प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस को मैंने अभी आपको बताया कि ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस। जो इसके अंदर मैं बात करूं एलिमेंट्स की, तो एलिमेंट्स जो है ओवरऑल नेचर के अंदर आपको कितने एलिमेंट्स मिलते हैं, एक सौ अठारह, 118 एलिमेंट्स। आपको ध्यान भी होगा जो हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन करते हैं एलिमेंट्स का, जो पीरियोडिक टेबल के अंदर भी एलिमेंट्स कितने हैं, 118, दैट इज 118 टोटल एलिमेंट्स हैं।
इनके अंदर जो 92 एलिमेंट्स हैं वो तो कैसे हैं, नेचुरल। 92 एलिमेंट्स आर द नेचुरल एंड अदर और यू कैन से रिमेनिंग आर मैन मेड और सिंथेटिक। अब जो एलिमेंट्स का जैसे मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटल्स, तो रिगार्डिंग अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, कि जो आपकी ऑक्सीजन हुई, सल्फर हुई, नाइट्रोजन हुई, ये सब किसमें आते हैं, नॉन मेटल्स में। तो अर्थ क्रस्ट जो है, जो अर्थ की जो क्रस्ट है, जो अर्थ की यू कैन से लेयर है, उसके अंदर आप देखो परसेंटेज कितनी है नॉन मेटल्स की, तो सबसे ज्यादा आपको किसकी मिलती है, ऑक्सीजन की, राइट। देन मिलता है, मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं, मैं ओनली नॉन मेटल्स की बात नहीं कर रही, जितने भी आपके ओवरऑल एलिमेंट्स हैं, सभी के सभी एलिमेंट्स अर्थ क्रस्ट में जो लाई कर रहे हैं उनकी ओवरऑल परसेंटेज कितनी है, तो बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो होगा आपका अर्थ क्रस्ट के अंदर एलिमेंट वो कौन सा होगा, सबसे ज्यादा परसेंटेज में ऑक्सीजन, राइट। देन होगा सिलिकन, देन एल्यूमिनियम, देन आयरन, आयरन का सिंबल है Fe, देन होगा कैल्शियम, देन सोडियम, और जो पोटेशियम है वो ऑलमोस्ट जो उनकी कंपोजिशन है और जैसे परसेंटेज है वो बराबर ही है, सोडियम, Na मीन्स सोडियम और K मीन्स पोटेशियम, और देन है लास्ट में मैग्नीशियम और देन अदर्स। तो ये पूछी जाती है कई बार कि अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा परसेंटेज कौन से एलिमेंट की है, तो याद रखिए ये ऑर्डर, ऑक्सीजन, देन सिलिकन, देन एल्यूमिनियम, देन आयरन, देन कैल्शियम, देन सोडियम और पोटेशियम ऑलमोस्ट इक्वल, देन मैग्नीशियम, देन अदर्स, राइट। अब बात करते हैं, ये तो हमने एलिमेंट्स की बात करी कहां पे, अर्थ क्रस्ट में। अगर हम एलिमेंट्स की बात करें किसके अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर बात की जाए एलिमेंट्स किस प्रोपोर्शन में, लेकिन से किस परसेंटेज में लाई करते हैं, तो सबसे ज्यादा परसेंटेज में अगेन जो है वो क्या है, ऑक्सीजन ही है। हमारे अंदर क्या है, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन है, देन कार्बन, देन हाइड्रोजन, देन नाइट्रोजन, देन फॉस्फोरस, देन सोडियम। तो ये रेशियो और लेकिन से ये ऑर्डर रहता है किसके अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर, मानव शरीर के अंदर एलिमेंट्स का, कि सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन में या सबसे ज्यादा परसेंटेज में मिलती है ऑक्सीजन, देन कार्बन, देन हाइड्रोजन, देन नाइट्रोजन, देन फॉस्फोरस, देन सोडियम। अगर बात की जाए एटमोस्फेयर की, कि एटमोस्फेयर के अंदर सबसे ज्यादा अबेंडेंस में, मतलब सबसे प्रचुर मात्रा में हमें जो मिलता है वो क्या है, नाइट्रोजन, जो कि हम पढ़ते ही हैं कि नाइट्रोजन जो है एटमोस्फेयर के अंदर कितनी है, ऑलमोस्ट 78%। तो याद रखिए अगर एटमॉस्फेयर के अंदर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा परसेंटेज में कौन सा आपको मिलता है एलिमेंट, तो नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन आपकी किसकी कैटेगरी, अभी मैंने आपको बताया था, नॉन मेटल की। तो द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द एटमॉस्फेयर इज नाइट्रोजन विच इज नॉन मेटल, और ये जो ऑर्डर रहेगा आपका ये ह्यूमन बॉडी का है और ये वाला अर्थ क्रस्ट का। नाउ We will discuss one by one the properties, some properties of metals, non-metals, compounds and mixtures. Regarding metals, first is physical state. कि अगर physical state की बात करो कि जो metals है वो किस state में exist करती है, तो याद रखिए जो metals है वो mostly आपको किस form में मिलती है, solid form में। Example की मैं बात कर चुकी हूँ, जैसे sodium हुआ, potassium है, राइट, टिन है, जिंक है, एल्यूमिनियम है, ये सब हमें किस फॉर्म में, मतलब ये क्या है, मेटल्स हैं, और वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, सॉलिड फॉर्म में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है शाइनी अपीयरेंस की, जो मेटल्स हैं उनकी जो अपीयरेंस होती है वो कैसी होती है, शाइनिंग, मतलब चमकदार होती है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड लस्टर, जो मतलब इनमें शाइनिंग होने की वजह से ही हम इनको ज्वेलरी और डेकोरेशन पर्पज के लिए यूज करते हैं, राइट। नेक्स्ट है मैलेबिलिटी एक डक्टिलिटी, मैलेबिलिटी और डक्टिलिटी में अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है, क्या होता है स्टूडेंट्स मैलेबिलिटी या डक्टिलिटी। तो जो मैलेबिलिटी है वो क्या होती है, कि जो मेटल्स है अगर हम उनको बीट करें किससे, हैमर से, तो उनकी चादरें बनाई जा सकती है, मतलब शेड्स बनाई जा सकती है। तो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू शेड्स इज कॉल्ड मैलेबिलिटी, राइट। तो मैलेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो जो मैलेबिलिटी है वो क्या है आपकी, कि उसके अंदर जो एग्जांपल की बात की जाए तो जो गोल्ड और सिल्वर है वो क्या है आपके मैलेबल मेटल्स हैं। डक्टिलिटी क्या होती है, कि डक्टिलिटी में जो हम मेटल्स हैं उनको किसमें कन्वर्ट करते हैं, वायर्स के अंदर। तो अगेन जो बात की जाए डक्टाइल मेटल्स कौन कौन सी है, तो आपके जैसे गोल्ड हुआ, सिल्वर है, राइट, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ये सब कैसे डक्टाइल मेटल्स है।
नेक्स्ट है कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि जो अपने अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से पास होने दे. तो मेटल्स आर दी गुड कंडक्टर ऑफ बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. याद रखिए जो सिल्वर है वो एजिंग, मतलब सिल्वर एजिंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, फॉलोड बाय गोल्ड, देन कॉपर, देन एल्यूमिनियम. ये ऑर्डर रहता है कि सबसे ज्यादा कंडक्टर कौन है, सबसे अच्छा कंडक्टर कौन है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का. तो एजी मतलब सिल्वर, देन गोल्ड, देन कॉपर, देन एल्युमिनियम. नेक्स्ट है हार्डनेस की. जो मेटल है वो जनरली क्या होती है, हार्ड होती है क्योंकि वही सॉलिड फॉर्म में है. बट इसके कुछ एक एक्सेप्शनल भी हैं कि जो सोडियम और पोटेशियम है वो सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप उनको इजिली नाइफ से भी कट कर सकते हैं. ये तो हमने बात करी अभी सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज की कि वो दिखने में कैसी हैं, किस पर्पज के लिए यूज की जा रही है, कैसी कंडक्टिविटी है. अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की कि पर्टिकुलर किसी चीज की जैसे रिएक्शन है कि ऑक्सीजन के साथ वो कैसी रिएक्शन शो कर रही है, वाटर के साथ कैसी कर रही है. तो फर्स्ट है रिएक्शन विद ऑक्सीजन. जो मेटल्स हैं अगर हम उनकी ऑक्सीजन मतलब एयर की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है. तो जो जैसे मैंने अभी आपको बताया जो सोडियम और पोटेशियम है वो सॉफ्ट भी है और क्या होती है बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव भी होती है. अगर आप इनको ओपन मतलब ओपन एयर में ऐसे छोड़ देते हैं तो फायर कैच कर लेते हैं, राइट. बट कुछ एक मेटल्स जो हैं वो क्या करती हैं, जनरली जो ऑक्साइड पूछे जाते हैं कि मेटल्स के ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो वो नेचर में याद रखिए कैसे होते हैं, बेसिक ऑक्साइड. कुछ एक जो ऑक्साइड होते हैं आपके लाइक एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3 और ZnO, इनका नेचर कैसा होता है, एसिडिक एज वेल एज बेसिक. बट ज्यादातर जो मेटल्स ऑक्साइड बनाती है वो कैसे बनाती है, नेचर में बेसिक, राइट. नेक्स्ट है रिएक्शन विद वॉटर कि अगर मेटल्स की अगर आप रिएक्शन करते हो वॉटर के साथ तो वो क्या करती है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करती है, H2 गैस इवॉल्व करती है. सभी मेटल्स की जो वॉटर के साथ रिएक्शन है वो एक्सटेंट अलग अलग है. कि अगर मैं सोडियम और पोटेशियम की बात करूँ वो काफी विग्रसली एक्ट करती है कोल्ड वॉटर के साथ, कैल्शियम नॉर्मल वॉटर के साथ भी एक्ट कर लेती है, राइट. जो मैग्नीशियम है वो हॉट वॉटर के साथ एक्ट करती है, और जो एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक है वो क्या करते हैं, जो स्टीम है मतलब जो भाप है उसके साथ एक्ट करते हैं. अगर आप बात करो लेड की, सिल्वर की, गोल्ड की, तो ये तो वाटर के साथ रिएक्टिविटी शो नहीं करते हैं. जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि जो कंडक्टिविटी में सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, जो पुअर कंडक्टर है वो कौन है, लेड, पीबी. तो पीबी इज द, लेड इज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, अगर बेस्ट पूछा जाए तो सिल्वर, राइट. नेक्स्ट है रिएक्शन विद एसिड की. आप अगर एसिड की रिएक्शन करते हो मेटल के साथ तो क्या होता है, तो अगेन हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है. कि जो भी आपके पास एलिमेंट्स है अगर वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है तो वो एसिड के साथ रिएक्ट कर लेगा. लाइक अगर आप Mg की बात करो, जिंक की बात करो, ये तो एसिड के साथ डायरेक्टली एक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर देते हैं. बट अगर आप कॉपर है उसकी आप रिएक्शन करना चाहो HCl के साथ तो ये पॉसिबल नहीं होगा. क्यों, क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी कम होती है हाइड्रोजन से. नेक्स्ट है रिएक्शन विद बेसिस. अगर आप बेस के साथ रिएक्शन करते हो मेटल्स की तो क्या होता है, अगेन हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है जो कि आपकी कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है. अगर आप और वो पॉप साउंड भी क्रिएट करती है जब उसके पास कोई बर्निंग मैचस्टिक लाया जाता है, राइट. नेक्स्ट है नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स की भी बात करते हैं वही फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की. तो फर्स्ट है फिजिकल स्टेट कि ये जो है आपकी किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, सॉलिड एज वेल एज गैसेस. जो मेटल है वो किसमें करी थी, सॉलिड फॉर्म में. जो सॉलिड फॉर्म में जो एग्जिस्ट करती है एज वेल एज हमें गैसेस दोनों ही स्टेट मिलती है नॉन मेटल के केस में. बट कुछ एक जो मेटल है वो आपकी किस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती है, लिक्विड फॉर्म में भी. एग्जाम्पल है ब्रोमीन. पूछा जाता है कई बारी द नॉन मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, तो याद रखिए ब्रोमीन. एक ऐसी मेटल भी है जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, वो कौन सी है, मरकरी. वैसे जनरली मेटल्स का नेचर आपको कैसा मिलता है, सॉलिड. बट मरकरी ऐसी है जो कि एक मेटल है, वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, लिक्विड फॉर्म में. नेक्स्ट है डोनट हैव लस्टर, इनके अंदर चमक नहीं होती. बट कुछ एक एलोट्रोप है जैसे कार्बन के डायमंड और ग्रेफाइट और इनकी आयोडीन, इनके अंदर क्या होती है, चमक होती है, लस्टर होती है. नेक्स्ट है नॉन मैलेबिलिटी और डक्टिलिटी. जैसा मैंने मेटल्स के केस में आपको बताया वो मैलेबल थी और डक्टिलिटी भी शो कर रही थी. बट इनके अंदर ये चीज नहीं होती, मतलब ना तो आप इनके वायर्स बना सकते ना शेड्स बना सकते. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनके अंदर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो काफी वीक होते हैं. नेक्स्ट है ब्रिटलनेस. तो याद रखिए ना तो मेलेबिलिटी शो करती है ना डक्टिलिटी शो करती है. नॉन मेटल्स क्या प्रॉपर्टी दिखाती है, ब्रिटलनेस.
नेक्स्ट है पुअर कंडक्टर, जो अभी मैंने आपको बताया था नॉन मेटल जनरली हमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को अपने अंदर से पास नहीं होने देती, दैट इज व्हाई दे आर कंसीडर्ड एज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट है लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब सीधी सी बात है, जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक हैं तो वो इजीली मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अचीव कर लेती है, तो नॉन मेटल्स के अंदर कैसा होता है लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। बट कुछ एक सॉलिड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कार्बन हुआ, बोरोन हुआ, सिलिकॉन हुआ, तो ये आपके सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो इनके एक्सेप्शनल केस है, मतलब इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आपको कैसे मिलते हैं हाई। याद रखिए कार्बन, बोरोन और सिलिकॉन वैसे जनरली नॉन मेटल्स के अंदर लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात की जाए तो जो मेटल्स हैं जनरली वो क्या होती है नेचर के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब होता है कि इनके अंदर जो आयंस हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको गेन करने की कैपेबिलिटी होती है, तो ये जो है नेचर में कैसी होती है इलेक्ट्रोनेगेटिव। और मेटल्स जो है वो अपने अंदर से क्या करती है इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकती है, मतलब उनको डोनेट कर सकती है, इसलिए इनका नेचर कैसा होता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव। और नॉन मेटल्स कैसी होती है इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब ये जो है आयंस को या फिर कैसे इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती है, और जो गेन करने में बनता है वो नेचर कैसा कहलाता है इलेक्ट्रोनेगेटिव। नेक्स्ट है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। जैसे हमने इस केस में देखा था जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुई तो जो ऑक्साइड बन रहे थे वो कैसे थे बेसिक नेचर के। यहाँ पे दोनों तरीके के ऑक्साइड होंगे, एसिडिक एज वेल एज न्यूट्रल। अगर एसिडिक की बात की जाए तो जैसे CO2 है राइट, SO2 है, SO3 है, ये सारे के सारे किस नेचर के ऑक्साइड हैं एसिडिक ऑक्साइड है, एसिडिक नेचर की है। अगर न्यूट्रल की बात की जाए जैसे पानी है, वाटर है, वो कैसा होता है न्यूट्रल होता है राइट। नाइट्रस ऑक्साइड भी आपका अगेन क्या है न्यूट्रल है। बात करें CO की, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो वो कैसा होगा न्यूट्रल। तो ये कुछ एक एग्जांपल है न्यूट्रल के एज वेल एज एसिडिक के। पूछा जाता है कि नॉन मेटल्स किस तरीके के ऑक्साइड बनाते हैं, तो याद रखिए उनका नेचर होता है एसिडिक। नेक्स्ट है डू नॉट रिएक्ट विद वॉटर की तरफ। जैसे वॉटर के साथ पिछले केस में हमने मेटल्स के केस में देखा था, वो वॉटर के साथ रिएक्टिविटी शो कर रही थी और क्या इवॉल्व कर रही थी हाइड्रोजन गैस, बट ये वॉटर के साथ रिएक्टिविटी शो नहीं करती, क्योंकि ये वॉटर रिएक्टिविटी शो नहीं करती इसीलिए हम ज्यादातर नॉन मेटल्स को पानी के अंदर स्टोर करके रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस, जो फॉस्फोरस है वो काफी रिएक्टिव होती है, इजिली फायर कैच कर लेती है, इसलिए इसको पानी में वॉटर में स्टोर करके रखा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स इसकी कंपाउंड्स की, तो कंपाउंड्स अगर मिक्सचर में मैं डिफ्रेंशिएट करूं दोनों को तो प्रोपोर्शन का डिफरेंस है कि इसमें भी आपके एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे कंपाउंड के अंदर भी और मिक्सचर के अंदर भी कंपाउंड करेंगे, बट फर्क किसके अंदर आ जाएगा प्रोपोर्शन के अंदर। यहाँ पे प्रोपोर्शन आपका कैसा रहता है कंपाउंड्स के अंदर फिक्स, और यहाँ पे रहेगा इनडेफिनेट, मतलब हमें यहाँ पता नहीं होता कि एलिमेंट्स किस प्रोपोर्शन में कंबाइन हो रहे हैं, और यहाँ पे हमें उनकी जो प्रोपोर्शन है उनका जो रेशियो है वो नोन होता है। नेक्स्ट है फिक्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। जो एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो फिक्स होगा। जैसे एग्जांपल की मैं बात कर रही हूँ, टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन इन फिक्स प्रोपोर्शन, लाइक मैंने एक एलिमेंट ले लिया सोडियम, दूसरा ले लिया क्लोरीन, आपने दोनों को मिला दिया तो क्या बन जाता है NaCl सोडियम क्लोराइड विच इज सोल्ट, जो नमक है। तो नमक आपका किसी कैटेगरी में आ जाएगा कंपाउंड्स में। और आप बात करो एग्जांपल की बाकी की, जैसे वॉटर हुआ, वॉटर भी आपका क्या है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले हुए हैं H2O। अमोनिया की बात की जाए तो NH3। ऐसे शुगर की बात करो C6H12O6। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो हम CO2। तो इसका मतलब देखो, अगर हम बात करें अकेले हाइड्रोजन की अकेले ऑक्सीजन की तो क्या कहलाएंगे एलिमेंट, लेकिन हमने यहाँ पे दो एलिमेंट्स को कंबाइन कर दिया वो भी किसमें फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, तो ये क्या हो जाएगा किसके एग्जांपल कंपाउंड के एग्जांपल। नेक्स्ट है मिक्सचर। मिक्सचर जो अभी मैंने आपको बताया था इसमें जो प्रोपोर्शन रहेगा एलिमेंट्स के कंबाइन करने का वो रहेगा इनडेफिनेट, मतलब हमें नहीं पता कि वो किस प्रोपोर्शन में कंबाइन हो रहे हैं। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं मिक्सचर की, तो जैसे सॉइल है राइट, सी वॉटर है, मिनरल्स हैं, इनमें हमें नहीं पता कि सॉइल क्या क्या, मतलब ठीक है थोड़ा बहुत हम आइडिया लगा सकते हैं कि सिलिका वगैरह है, बट वो कितने प्रोपोर्शन में है ये प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, तो हम कहेंगे यहाँ पे प्रोपोर्शन रहता है नॉन डेफिनेट और इवन से इनडेफिनेट प्रोपोर्शन। मिक्सचर जो है उसके टू टाइप्स हैं, एक है होमोजेनियस एक है हेट्रोजेनियस। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था यहाँ पे कंपोजिशन का फर्क रहता है। होमोजेनियस जो है उसके अंदर कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर कैसी रहती है यूनिफॉर्म, और जो हेट्रोजेनियस है उसमें रहती है नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। बात की जाए होमोजेनियस मिक्सचर की कौन कौन से है, जैसे एयर है, एयर के अंदर ऑक्सीजन है राइट,
CO2 है, नाइट्रोजन है, तो वो सारी गैसें मिली हुई हैं, तो जो मिश्रण है, मिक्सचर है, वो कैसा कहलाएगा? होमोजेनियस। ऐसे ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जो जो भी उसके अंदर घुला हुआ है, मिला हुआ है, वो हमें ना दिखे, वो अच्छे से घुल जाए। लाइक मैं बात करूं, एक सॉल्यूशन ले लिया मैंने सोल्ट का और वॉटर का, कि पानी के अंदर अगर नमक मिला दिया जाए तो हम नहीं देख सकते कि नमक के कौन से पार्टिकल हैं, पानी के कौन से पार्टिकल हैं, तो ये दोनों अच्छे से डिजोल्व हो जाते हैं। तो ट्रू सॉल्यूशन इज द एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर। ऐसे ही एलॉयज, लाइक जो आपके ब्रास है, ब्रॉन्ज है, राइट, स्टील वगैरह है, वो आपके जिसमें मेटल्स कंबाइन करते हैं, बेसिकली मिक्स होते हैं, तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? होमोजेनियस मिक्सचर का। ऐसे नेक्स्ट हेट्रोजेनियस मिक्सचर, जिसमें कंपोजिशन आपकी नॉन यूनिफॉर्म रहेगी। एग्जाम्पल की मैं बात करूं, इसे सोल्ट और शुगर, आप नमक को और चीनी को मिलाइए, तो ना तो अच्छे से, मतलब हम जो पार्टिकल्स हैं इस केस में हम देख नहीं पा रहे थे कि कितना हमने पानी उसके अंदर मिलाया और कितना नमक, इजिली मेटल्स जो है डिजोल्व, जो मटेरियल है वो डिजोल्व हो रहा था, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। बट इसमें जो आपका सोल्ट और शुगर है, दोनों के पार्टिकल्स अलग अलग अच्छे से दिख जाएंगे नेक्ड आई से भी, तो यहाँ पे जो मिक्सचर कैसा बन जाएगा? हेट्रोजीनियस। और आप बात करो एग्जाम्पल की, जो सस्पेंशन, सस्पेंशन का मतलब जिसमें आपका सोल्यूट सस्पेंडेड फॉर्म में रहता है विद इन द सॉल्वेंट। फिर है कोलोइड्स, कोलोइड्स का मतलब भी वही, जिसमें आपके पास अगेन ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर, अगर मैं बात करूँ जैसे मिल्क की, चीज, बटर, हेयर क्रीम, स्प्रेज वगैरह, ये आपके किसके एग्जांपल है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर के। तो दिस इज ऑल अबाउट द मैटर एंड इट्स स्टेट्स। आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हुआ होगा, पसंद आया होगा। तो गाइज प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपको जितने अपडेट्स इस रिलेटेड दे सकूँ। सो थैंक यू वेरी मच।